ब्रूस ली की जीवनी। 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ली हुई चुएन और मां का नाम ग्रेस हो था। नके कुल चार भाई बहन थे जिनका नाम फोएबे ली, एग्नेस ली, पीटर ली और रॉबर्ट ली था। जब वह 3 साल के हुए तब पूरा परिवार हांगकांग में रहने चला गया। कहा जाता है कि ब्रूस ली बचपन में बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहा करते थे। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी ली बचपन में वे गैंग रिवलरीज और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे के इस काबिलियत को पहचान गए थे जिससे उन्होंने ब्रूस ली को घर पर ही प्रारंभिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ब्रूस ली की शुरुआती शिक्षा उनके पिता द्वारा संपन्न की गई, जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण की मूल बातें समझाई थी। इसके पश्चात जब वे 13 साल के हुए तब उन्हें यीप मैन के अंतर्गत विंग चुन की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। ब्रूस ली के मिश्रित वंश के कारण उन्हें वोंग शुन लयूंग और यीप मैन से विंग चुन का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रूस ली ने ला सल्ले कॉलेज से संपन्न की। यहां ब्रूस ली के लो परफॉर्मेंस के कारण सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया। कुछ समय बाद वे सैन फ्रांसिस्को से सिएटल रहने के लिए चले गए जहां अपने आगे की शिक्षा एडिशन तकनीकी स्कूल से करने के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान लिव इन वेटर के रूप में उन्होंने रूबी चाउस रेस्तरां के लिए काम भी किया। इसके पश्चात साल 1961 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। 1964 में ब्रूस ली ने अपने मूवी करियर को छोड़कर मात्र मार्शल आर्ट फाइट में करियर बनाने का निश्चय कर लिया। वे मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसीलिए सिएटल में रहते हुए उन्होंने ली जुन फेन गुंगफू इंस्टीट्यूट नामक एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। तत्पश्चात वे ली कुंगफू में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। ब्रूस ली, जेम्स ली जो कि ऑकलैंड के बेहद लोकप्रिय मार्शल आर्ट प्रशिक्षक थे, उनके साथ मिलकर वर्ष 1964 में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला जिसका नाम जुन फेन मार्शल आर्ट स्टूडियो था। उसी साल उन्होंने लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया जहां ली मुख्य रूप से 2 फिंगर पुशअप और 1 इंच पंच के प्रदर्शन के पश्चात लोकप्रिय बन गए। इसके बाद ली की मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर जू गू री से हुई। इसके पश्चात दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में ब्रूस ली के असाधारण प्रदर्शन के बाद वे कई बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर्स की आंखों के सामने आए। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मार्शल आर्ट करते देखता था वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने खुद को इस प्रभावशाली कला में निपुण बना लिया। आने वाले सालों में ब्रूस ली ने फिल्मों की जगत में भी प्रवेश किया जहां अपने अभिनय के जरिए उन्होंने वहां भी अपने परिपूर्णता की छाप छोड़ी। ब्रूस ली के पिता फिल्म जगत से ताल्लुकात रखते थे। वे एक कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे जिसके कारण ब्रूस ली के मूवी करियर की शुरुआत में काफी सरलता हुई। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा। सबसे पहले ली ने मोनोसिलेबिक शब्दों का संवाद करना सीखा। जब वह 3 साल के हुए तो अपने जीवन का सबसे पहला फिल्म गोल्डन गेट गर्ल में किरदार निभाया। मार्शल आर्ट्स के साथ छोटे ब्रूस ली ने कई फिल्में की, इससे उनके अंदर एक अभिनेता बनने की रुचि पैदा हुई। 18 साल का होते हुए वे पूरे 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। 1959 से लेकर 1964 तक ब्रूस ली ने कई फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने अपने मूवी करियर को बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कुंग फू कैरियर को अधिक समय दिया
लेकिन उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण वे दुनिया में लोकप्रिय बन गए। ऐसे में बड़े बड़े टीवी चैनल्स उनका इंटरव्यू लेते थे। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण उन्हें कई टीवी सीरीज में मुख्य अतिथि बनकर शामिल होने का मौका भी मिला। ब्रूस ली ने अब एक बार फिर सिनेमा जगत में अपनी एंट्री की। 1966 में उन्हें ग्रीन हॉर्नेट नाम की एक सीरीज में काम करने के लिए अवसर मिला, हालांकि यह ज्यादा प्रसिद्धि नहीं बटोर पाई थी। तत्पश्चात 1969 में ब्रूस ली को हॉलीवुड में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लिया। वर्ष 1971 में द बिग बॉस नमक मूवी में ली ने ताबड़तोड़ किरदार निभाया, जिसके बाद वे एक बड़े चमकते सितारे बन गए थे। अगले साल 1972 में उन्होंने फर्स्ट ऑफ फ्यूरी नमक दूसरी फिल्म में काम किया। वह मूवी भी बहुत लोकप्रिय हुई। तमाम शोहरत और प्यार बटोरने के बाद ब्रूस ली ने अपना एक खुद का प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया। कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन कंपनी ब्रूस ली द्वारा शुरू की गई, जिसमें वह खुद डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का काम करते थे। फिल्मों की शूटिंग में ब्रूस ली के पंच और किक की रफ्तार इतनी ज्यादा होती थी कि लोग उन्हें देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। कहीं दर्शकों को यह ना लगे कि फिल्मों में नकली एडिटिंग की गई है, इस कारण उनके हर एक मूव को लगभग 34 फ्रेम धीमा करके दिखाया जाता था। वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में आई ब्रूस ली की तीसरी मूवी थी, जो उनके ही अनुसार बनाई गई थी। इस मूवी में वे निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर भी खुद ही बने थे। एंटर द ड्रैगन मूवी ब्रूस ली के पूरे जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी साबित हुई। इसने उनको पूरी दुनिया में एक मशहूर अभिनेता बना दिया। फिल्म प्रदर्शन के मात्र 6 दिन पहले ही ब्रूस ली का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ता गया, जिसके पश्चात उनका निधन हो गया। एंटर द ड्रैगन उस साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया, जिसने ली को मार्शल आर्ट लेजेंड के रूप में स्थापित कर दिया। 35 किलोग्राम वजन और 5 मीटर ऊंचे रेत के एक बैट को किक से कई मीटर ऊपर छत की तरफ उछालने का विश्व रिकॉर्ड ब्रूस ली के नाम है। 3 फुट की दूरी से हमला करने में ब्रूस ली को मात्र 0.05 सेकंड का समय लगता था, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 सेकंड में 9 बार पंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ली के नाम है। इनमें से हर एक किक से वे 75 किलो से अधिक अपने प्रतिद्वंदी को 5 से 6 मीटर दूर धकेल सकते थे। बॉक्सिंग की दुनिया का सरताज कहे जाने वाले मोहम्मद अली की पंचिंग पावर जितनी ब्रूस ली की पंचिंग पावर भी थी। ब्रूस ली का वजन केवल 130 पाउंड्स था और उनका पंचिंग पावर 350 पाउंड्स। वे 1 सेकंड में 6 बार किक मारने की क्षमता रखते थे। उनके केवल एक किक से 200 पाउंड्स वजनीय इंसान 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। ब्रूस ली ने 401 हाथ से, 202 उंगलियों से, 100 अपने एक अंगूठी से इस प्रकार कुल मिलाकर 1500 पुशअप करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मार्शल आर्ट के सरताज ब्रूस ली के मौत के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 10 मई वर्ष 1973 में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इससे पहले भी कई बार मूवी के सेट पर ही वे बेहोश हो गए थे। एक बार ऐसा होने पर जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तब डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांच की गई, उनके शरीर में मेप्रोबेमेट घटक पाया गया, जिसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई थी। ब्रूस ली को सिर दर्द की गंभीर दिक्कत थी। इतने स्वस्थ होने के बाद भी छोटी उम्र में यूं अचानक ब्रूस ली के निधन से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी।
ब्रूस ली की मौत के बाद यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि उनकी मौत किसी शाप की वजह से हुई।